बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन वाइट बिरयानी। चिकन वाइट बिरयानी बनाने के लिए हमने राइस ले लिए हैं 1 किलो। 1 किलो चावल हमने लिया है सेला, अच्छे वाला चावल आप लें तो अच्छी बिरयानी बनती है। और साथ ही हमने 1.5 किलो लिया है चिकन, आप चाहें तो 1 किलो भी ले सकती हैं। और साथ में हमने कोई 18 से 20 अदद बादाम और 12-14 अदद कोई काजू, ये दोनों लेके बादाम का छिलका उतार के तो दोनों का पेस्ट बना लिया है। साथ ही हमने 2 अदद प्याज लेके उसका पेस्ट बना लिया है। दही हम इसमें यूज़ करेंगे 1 प्याली। और साथ हमारे पास ये तेज़ वाली सब्ज़ मिर्च हमने ली है, तीखी, जिसका टेस्ट थोड़ा सा तेज़ होता है, तो वो मैंने ली है 4 अदद। लंबे साइज़ की थी, ये वाला साइज़ था। अगर आपके पास छोटी हो तो आप बेशक 6 ले लें, या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से जितना आप 1 किलो चावल में स्पाइस खाते हैं मिर्च, आप उस हिसाब से सब्ज़ मिर्ची का ऐड कर सकती हैं। तो उसके साथ ही लिया है मैंने लहसुन, लहसुन मैंने चॉप कर लिया है कोई 10-12 जवे लेके, तो उसको चॉप कर लिया है। अदरक इसको पेस्ट बना लिया है, थोड़ा सा अदरक मैंने ये काट के भी इस तरह रखा है बिरयानी के दम के लिए। साथ ही नमक मैं इसमें डालूंगी, नमक मैं कुछ मसाला बनाते हुए और कुछ मैं चावल बॉईल करते हुए डालूंगी, तो 1 किलो में मैं 3 टेबलस्पून डालूंगी नमक बॉईल करते हुए, और 1 टीस्पून से लेके 1.5 टीस्पून के तक मैं इसमें ऐड करूंगी मसाले में, वो मैं उसकी ज़रूरत के हिसाब से करूंगी। और साथ ही मेरे पास वाइट पेपर है 1 टीस्पून भर के, काली मिर्च मैंने ली है 1 टीस्पून, लेकिन मैं ये ज़्यादा है लेकिन मैं इसमें से 1 टीस्पून ही डालूंगी। और साथ ही मेरे पास सब्ज़ मिर्च है मोटे वाली, इसका टेस्ट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता लेकिन फ्लेवर इसका बड़ा अच्छा होता है, तो ये मैंने 4 अदद मोटी काट ली हैं। धनिया है, पुदीना है, और ये धनिया है, ये थोड़ा ज़्यादा लिया है। उसके साथ ही मेरे पास खड़े मसालों में जो चीज़ें हैं वो है ये साबुत बड़ी इलायची, ये मैंने ले ली है कोई 5-6 अदद, 4 तेज़पत्ते, 12-14 अदद काली मिर्च है, और साथ ही सफ़ेद ज़ीरा मैंने लिया है 2 टेबलस्पून। ये छोटी इलायची है, सब्ज़ इलायची जिसको कहते हैं, वो मैंने 5 ली हैं। बादियान के फूल हैं 2 अदद आप ले लें। और ये मेरे पास है दालचीनी, छोटी स्टिक्स हैं तो ये मैंने ज़्यादा ली हैं, अगर बड़ी हों तो आप 4 स्टिक्स ले लें। और 12 से 14 अदद मैंने ली है लौंग, तो ये इसके सारे इंग्रेडिएंट हैं। ऑयल इसमें जाएगा कोई 1 कप के करीब ऑयल जाएगा। पानी हमने चावल उबालने के लिए रख दिया है, 1.5 देगचा मैंने रखा है पानी का, और साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी कुछ मसाले, ये जो हमारे पास साबुत मसाले हैं। ज़ीरा मैं इसमें थोड़ा सा डालूंगी, ज़ीरा मैं बाकी पकाते हुए मसाले में डालूंगी। 3 टेबलस्पून मैंने इसमें डाल दिया है, 1 टीस्पून के जितना मैंने बचा लिया है, क्योंकि ये मैंने नाप के रखा हुआ था, ये 3 टेबलस्पून और 1.5 टीस्पून है, तो बाकी जो मैंने 1.5 टीस्पून के करीब बचाया है तो वो मैं मसाले में यूज़ करूँगी। गरम मसाला मैंने पहले नहीं दिखाया है, पाउडर हम डालेंगे 1.5 टीस्पून में मिक्स गरम मसाले का पाउडर डालूंगी। पानी को हमने ढाँप दिया है, जैसे ही पानी उबलने लगेगा तो हम इसमें राइस डालेंगे। तेल हमने डाल दिया है 1 कप, और अब मैं इसमें डाल देती हूँ ज़ीरा। ज़ीरा हल्का सा जब कड़कड़ाने लगे तो हम इसमें डालेंगे चॉप की हुई लहसुन, और इसको हल्का सा हम पका लेंगे, बस इतना ही पकाएंगे कि थोड़ा सा खुशबू आना शुरू हो जाए और हल्की सी आवाज़ देना शुरू हो जाए। बस अब हम इसमें डाल देंगे प्याज, जो कि हमने पेस्ट बना लिया था प्याज का,
अब हम प्याज को इतना पकाएंगे कि इसको हल्का सा कलर इस पर आ जाए, बहुत ज़्यादा इसको डार्क ब्राउन या डार्क गोल्डन नहीं करेंगे, हल्का गोल्डन बस करेंगे इसको। प्याज हमारा हल्का सा कलर चेंज कर चुका है, अभी तक पूरी तरह नहीं पका, तो अब हम इस पेज पे डाल देंगे इसमें अदरक का पेस्ट। और साथ ही हम डाल देंगे इसमें सब्ज़ मिर्च का पेस्ट। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से और हम इसमें डालेंगे नमक। वन टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा मैं डाल रही हूँ। अब हम इसमें डाल देंगे वाइट पेपर और साथ ही मैं इसमें डालूंगी ब्लैक पेपर। काली मिर्च डाल दी, मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। ये हमने इसमें पूरे मसाले डाल दिए हैं। मसाले डालने के बाद हम इसमें चिकन डाल देंगे। और चिकन को हम इतनी देर तक पकाएंगे तेज़ आंच पे कि इसका कलर भी चेंज हो जाए और इसका पानी जो ये पूरा चिकन पानी छोड़ेगा वो भी सारा अच्छी तरह खुश्क हो जाए। तो हम तेज़ आंच पे इसको अच्छी तरह से पका देंगे। हमारा उबलना शुरू हो गया है तो अब हम इस स्टेज पे डाल देंगे चावल, लेकिन साथ ही हम थोड़ा सा इसमें 2 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल डालेंगे। इससे क्या होगा कि इससे हमारे चावल आपस में जुड़ेंगे नहीं और बहुत अच्छे अलग अलग और खिले खिले से पकेंगे। हम इसमें डाल देंगे चावल और चावल को हम कोई एक कनी रख के तो बाकी हम बॉयल कर लेंगे। तकरीबन हम इसको 75% तक पका लेंगे और 25% तक हम इसको छोड़ देंगे एक कनी इसमें। तेज़ आंच के ऊपर हम गोश्त को अच्छी तरह से हमने कुकिंग कर ली है, तकरीबन इसका कलर गोल्डन होने को है, बस थोड़ा सा और दो तीन मिनट की और कुकिंग है तो उसके बाद हमारा चिकन जो है वो अच्छी तरह पक जाएगा, अच्छा सा गोल्डन हो जाना चाहिए चिकन को। चिकन हमारा गोल्डन हो चुका है, बहुत अच्छी तरह पक चुका है, जब हमने इसको पूरा कलर भी इसका चेंज हो गया और पानी भी बिल्कुल ड्राई हो गया है, पूरा हमने थ्रो आउट इसको तेज़ आंच के ऊपर इसकी कुकिंग की है। तो अब हम इस स्टेज पे डाल देंगे दही। हम इसमें डाल देंगे दही, जितना हमारे पास दही है एक प्याली हमने डाला है, और अच्छा सा मिक्स कर देंगे। अच्छा सा मिक्स करने के साथ ही हम इसमें डाल देंगे जो हमने ये काजू और बादाम का पेस्ट डाला था बनाया था वो हमने डाल दिया इसमें। ये हम इसमें पूरा डाल देंगे, थोड़ा सा पानी डाल के, तो बाकी भी जो हमारे बर्तन के साथ लगा हुआ है वो भी हम इसमें डाल देंगे और अच्छी तरह मिक्स करेंगे। एक दो मिनट तेज़ आंच रखेंगे, उसके बाद मीडियम टू लो आग पे इसको हम ढांप देंगे तब तक जब तक ये इसका ऑयल ऊपर ना आ जाए और चिकन हमारा सॉफ्ट ना हो जाए। साथ ही हम इसमें डाल देंगे मिक्स गरम मसाला
मैं इसमें 1 टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा डालूंगी। अगर आप इसको, ये अच्छा स्पाइसी बनेगा क्योंकि वाइट बिरयानी है, वाइट चिकन बिरयानी, तो इसको अगर आप थोड़ी फीकी बनाना चाहते हैं तो फिर आप मिक्स गरम मसाला कम डालें। अगर आप चाहते हैं कि इसका फ्लेवर अच्छा आए तो फिर आप इसमें गरम मसाला इतना ही डालें। अब हम इसको मीडियम टू लो आग पे ढांक देंगे। आंच मैंने मीडियम टू लो कर दी है। अब हम इसको ढांक देंगे कोई 8 से 10 मिनट के लिए मीडियम टू लो हीट पे। ये हम सब्ज मिर्चें भी इसमें डाल देंगे, मोटी जो काटी थी हमने, दोबारा से ढांक देंगे। चावल हमने उतार लिए हैं, हमने चावल एक कनी रख के, तो अब इसको छान लेना है। हमने चावल पूरे छान के रख लिए हैं। ये आप देखें, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है और बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं है। एक कनी हमने छोड़ी है, 75% हमने तकरीबन पका लिए हैं और 25% दम में ही पक जाएंगे। चिकन हमारा कोई 4-5 मिनट हो चुके हैं। आप इसको एक तो मीडियम टू लो आग रखनी है, तेज़ आंच नहीं रखनी, क्योंकि हमने इसमें काजू और बादाम का पेस्ट डाला है, तो जब काजू बादाम डाल देते हैं पेस्ट तो फिर नीचे लगने का खदशा होता है। तो आप इसको थोड़ी थोड़ी देर बाद चेक भी करते रहेंगे, और मीडियम आग बिल्कुल मीडियम टू लो होनी चाहिए। अभी हम और इसको रखेंगे कोई 5-6 मिनट के लिए। ये आप देखिए, अभी हमारा ऑयल ऊपर आ चुका है, पूरा हमारा मसाला पक चुका है। जब ऑयल ऊपर आ जाता है तो इसका मतलब है कि मसाला हमारा पूरा अच्छी तरह पक गया है, और ये नीचे भी नहीं लगा क्योंकि इसको मैंने थोड़ी थोड़ी देर के बाद बीच में चेक करती रही हूँ। चिकन भी हमारा बिल्कुल अच्छा सा सॉफ्ट हो गया है, और अब ये रेडी है चावल डालने के लिए। अब हम इसमें लेयरिंग करेंगे बिरयानी की। पहले हम इसमें चिकन डाल देंगे, थोड़ी सी हम बचा के रख लेंगे, बाकी हम पूरे का पूरा चिकन इसमें नीचे लेयर में डाल देंगे। ऑयल भी नीचे डालेंगे, ऑयल नीचे डालने से ये होता है कि हमारी बिरयानी नीचे नहीं लगती। ये हमने चिकन पूरा डाल दिया है, अब हम इस पे डाल देंगे राइस। ये हमारे चावल पूरे, हमने पूरा चावल की लेयर लगा दी है। अब हम इस पे जो हमने मसाला रखा था सालन का, वो हम इस पे डाल देंगे। उसमें तेल भी हल्का सा है, और ग्रेवी टाइप जो हमारा मसाला था वो भी अभी है। ये हमने पूरा मसाला ऊपर डाल दिया है, चावल की तह भी लगा दी है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा देसी घी डालेंगे, इससे बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है। दम लगाते हुए आप चावल बॉयल कर रहे हों, सफ़ेद उबले हुए चावल बना रहे हों, या फिर आप बिरयानी, तो उसको दम लगाते हुए आप थोड़ा सा देसी घी डाल दें तो उससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो हमने ये सारी चीज़ें डाल दी, और अब हम इसके ऊपर डालेंगे पुदीना और धनिया और साथ ही हमने इसके ऊपर डाल देनी है अदरक और हम इसको दम लगा देंगे। अब इसको हम पहले कोई 4-5 मिनट तेज आंच रखेंगे, थोड़ी सी तेज रखेंगे मीडियम तक, और उसके बाद फिर हम इसको 15 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की आंच दम वाली पे रख देंगे। तो उसके बाद हमारी बिरयानी इंशाल्लाह तैयार हो जाएगी। 25 मिनट हमने दम पे रखा है, तो अब हम चेक करेंगे। चूल्हा हमने बंद कर दिया है, लेकिन अभी मिक्स हम 2-3 मिनट ठहर के करेंगे। चूल्हा बंद करने के 2-3 मिनट ठहर के हम इसको मिक्स करके फिर डिश आउट करते हैं। ये हमने चिकन वाइट बिरयानी डिश आउट कर दी है। ये आप देखें कितनी मज़ेदार और कैसे बहुत ही अच्छे से खिले खिले से राइस, और चिकन भी हमारा बिल्कुल अच्छा सा सॉफ्ट हो गया है, और इसका
टेस्ट भी बहुत ही सॉफ्ट सा और मज़ेदार इसका टेस्ट आएगा। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह ये आपको बहुत पसंद आएगी। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा रेसिपी को, और ट्राई करने के बाद कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये डिश। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर करने के साथ साथ मुझे हमेशा दुआओं में याद भी रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।